नीलूस किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल नए तरीके से टमाटर की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप ट्राई ज़रूर करना क्योंकि ये खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले ली है एक बारबेक्यू स्टिक। इसके अंदर हमने 2 बड़े टमाटर, 2 हरी मिर्च और 3 लहसुन की कलियां जो कि बड़ी बड़ी है उसे बिना छीले हमने इसके अंदर अंदर फंसाया है। और अब हम इसे ब्रश करेंगे ऑयल से। हमने गार्लिक के छिलके नहीं निकाले हैं क्योंकि जब ये रोस्ट होगा तब छिलके इसके अच्छे से भुन जाएंगे, लेकिन गार्लिक अच्छा अंदर से फ्रेश वाइट रहेगा। तो देखिए तेल लगाने से इसके जो छिलके हैं वो आराम से निकल जाते हैं और ये अच्छे से रोस्ट होगा, अच्छे से भुन जाएगा और इसका फ्लेवर बहुत ही गजब का आएगा। तो अब हम यहाँ पर गैस को शुरू करेंगे, ऑन करेंगे और इसके ऊपर आपको डायरेक्टली देखिए टमाटर को भुनना है और जब तक ये इसके छिलके काले नहीं होते तब तक आपको भुनना है। और देखिए इसी तरीके से हम गार्लिक को और चिली को भी भून रहे हैं। तो ये देखिए अब ये अच्छे तरीके से भून चुके हैं और अब हम इसे इस स्टिक से हटा देंगे और थोड़ी देर ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसके छिलके निकाल लेंगे। बहुत ही इजीली इसके छिलके अलग हो जाते हैं क्योंकि जब हम इसे सेकते हैं गैस पर तो जैसे जैसे इस पर आग आती है इसके छिलके अलग होने लगते हैं, ये फटने लगता है और ये आराम से निकल आते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने ही सारे छिलके इसके निकाल रही हूँ। देखिए एक हो चुका है, अब दूसरा भी हम छील लेंगे, इसकी स्किन हटा देंगे और देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। इसी तरीके से हमें गार्लिक को भी छील लेना है। देखिए छिलके काले हुए थे लेकिन गार्लिक बहुत ही फ्रेश है। अब हमें एक फोक की सहायता से, कांटे चम्मच की सहायता से इसे मैश करना है। जैसे ही ये इसकी सिकाई हुई है तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है और इसका फ्लेवर बहुत ही उम्दा आ रहा है। इसे हमने इस तरीके से मैश किया है। आप इसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं या मिक्सर में डालकर भी पीस सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने गार्लिक को जिस तरीके से मैश किया है उसी तरीके से हम यहाँ पे ये हरी मिर्च जो हमने रोस्ट करके रखी है, जो भुनी है, उसे भी हम मैश करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि आपको ये दोनों चीज़ मिक्सर में भी आप ग्राइंड कर सकते हैं या मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ हमारे अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब हमें टमाटर को कट करना है। यहाँ पे हमें टमाटर को पकाना है तो हमें इसे फाइन चॉप नहीं करना है, हमें इसे अच्छे तरीके से क्यूब साइज में कट करना है या रफली आप चॉप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इतने बड़े साइज के कट किए हैं। अब हमें एक पैन लेना है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। यहाँ पे तेल आप आपकी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल ज़्यादा ले रही हूँ ताकि हमारी जो चटनी है वो बहुत ही रसीली, बहुत ही टेस्टी, सुंदर दिखे। तो यहाँ पे देखिए तेल गरम हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, आधा चम्मच राई डाली है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, राई जैसे ही तड़केगी उसके बाद ही आप इसमें जीरा डालना, क्योंकि राई जब तड़कती है तभी उसका फ्लेवर ऑयल में आता है। तो देखिए हमने इसमें 1/2 टीस्पून के करीब अब जीरा डाला है और जीरा भी अच्छे से तड़क चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां। अब ये रोस्ट की हुई गार्लिक नहीं है, हमने नॉर्मल जो घर में गार्लिक होती है उसे चॉप करके डाला है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 कलियां है क्योंकि हमें चटनी में गार्लिक का फ्लेवर अच्छे तरीके से चाहिए। फिर डालेंगे 2 लाल मिर्च, इसे मैंने हाथों से तोड़कर डाला है। और फिर डालेंगे 5 से 6 पत्ते करी लीव्स के, मीन्स करी पत्ता हमने डाला है ताकि चटनी बहुत ही टेस्टी लगे। देखिए ये हल्का भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी प्याज और प्याज को भी हमें इसे अच्छे से पकाना है, लेकिन हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे लाइट ब्राउन करना है क्योंकि जो हमारी चटनी है इसके अंदर सारे चीज़ों का फ्लेवर आना चाहिए, जैसे कि प्याज, मिर्च, लहसुन, ये सारे चीज़ों का फ्लेवर आना चाहिए तभी आपकी चटनी स्वादिष्ट बनेगी।
तो देखिए ये हल्का हल्का भूरा हो चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम साथ ही साथ हमने जो गार्लिक रोस्ट करके रखा था, जो मैश करके रखा था, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही साथ हरी मिर्च जो हमने मैश करके रखी थी वो भी डाल देंगे। इस चटनी के अंदर यही दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है, जो इस चटनी को बहुत ही अलग स्वाद देगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये चटनी इन दो इंग्रेडिएंट के साथ। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से ये जल्दी पकना शुरू हो जाएगा। और डालेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब देखिए लाल मिर्च पाउडर आप अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें रेड चिली और ग्रीन चिली दोनों डाली है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है, ताकि अच्छी लाल कलर की हमारी चटनी दिखे। आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हमें इसे पकाना है, और इसे इस टमाटर को देखिए इस तरीके से मैश करना है, और इसे ढककर 6 से 7 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रख देना है। अब देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, टमाटर की चटनी पक चुकी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। और जैसे आपको अगर टमाटर थोड़े से खड़े दिखे, तो उसे आपको इस तरीके से मैश करना है, ताकि चटनी का फ्लेवर पूरा हमारे खाने के साथ आना चाहिए। बहुत बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी। देखिए हमारी चटनी तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट। और जब ये पकती है तो पूरे घर में इसकी खुशबू आने लगती है। आप इस चटनी को ट्राई ज़रूर करिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।